प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकजुटता से निश्चिंत होकर अलग अंदाज में दिखाई दिए। जहां सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी K9 वज्र टैंक की सवारी करते दिखे। शनिवार को पीएम मोदी ने सूरत के हजीरा LNT में तैयार सेना के लिए सबसे शक्तिशाली K9 वज्र टैंक देश को समर्पित किया। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैंक की सवारी कर इसका जायजा भी लिया। मेक इन इंडिया के तहत बने इस टैंक से सेना की ताकत बढ़ेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस टैंक की कुछ विशेषताएं। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टैंक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब तक सेना के पास जो टैंक है एक जगह वो स्थिर होकर वार करते हैं, लेकिन K9 वज्र चारों तरफ घूम घूम कर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। 2017 में LNT और हनावर टेक्विन की साझेदारी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस सौदे की कुल कीमत करीब 4300 करोड़ रुपए है। K9 वज्र बेहद दमदार है और डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर और टैंकों को भी तबाह करने में सक्षम है। इस टैंक को किसी भी वातावरण में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। टैंक का वजन 47 टन है, जबकि टैंक की लंबाई 12 मीटर है और ऊंचाई लगभग 2.73 मीटर है। टैंक में चालक के साथ 5 लोग सवार हो सकते हैं। K9 वज्र 21वीं सदी के किसी भी युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सक्षम है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।